प्रिय छात्रों नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने जा रहे हैं, ये इकाई सेकेंड। तो इसमें देखते हैं MAPS 108 विषय राजनीति विज्ञान इकाई 2 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम। इसमें सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम में हम सर्वप्रथम ये देखने का प्रयास करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न उपागमों का विश्लेषण करना है, विभिन्न उपागमों की दुर्बलताओं से अवगत होना है, एक समन्वित उपागम के से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना है। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना। जॉर्ज सिंपसन के अनुसार उपागम का आशय उस मापदंड से है जिसका प्रयोग अनुसंधान के दौरान समस्या और आंकड़े के चयन के लिए किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक उपागम विकसित हो चुके हैं। बर्टन सापिन के अनुसार 27 उपागम हैं और क्विंसी राइट के अनुसार 23 तथा पामर पार्किंस के अनुसार 7 उपागम हैं। इसके पूर्व ऐतिहासिक राजनीति के लिए संस्थात्मक उपागम का प्रयोग किया जाता था। निर्णय निर्माण उपागम, खेल उपागम, सौदेबाजी उपागम आदि आंशिक उपागम माने जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या समग्रता में करते हैं। आदर्शवादी उपागम, यह उपागम 1920 से 1930 में विशेष चर्चित रहा है। यह उपागम व्यक्ति को विवेकशील और स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी मानता है। यह युद्ध का निषेध करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करके विश्व शांति की स्थापना चाहता है। इसके बाद हम सेकेंड देखते हैं परंपरागत ऐतिहासिक उपागम या संस्थात्मक उपागम। यह जो उपागम है तो ये आदर्शवादी उपागम के जो है समान माना जाता है। इन दोनों में काफ़ी समानताएं दिखाई देती हैं। ऐतिहासिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम पूर्व में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था, इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि अन्य उपागमों का विकास नहीं हुआ था। हम हर चीज़ का अवलोकन ऐतिहासिक और संस्थात्मक उपागम के तरीके से ही करते थे और उस समय जो प्रोफेसर नियुक्त होते थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान के लिए तो इतिहास विषय के प्रोफेसर को नियुक्ति प्रदान की जाती थी क्योंकि ये जाता था कि जो इतिहास के प्रोफेसर्स हैं तो उनके पास पूर्व की घटनाओं का संकलन है, बहुत बड़ा संग्रह है और उस घटनाओं और घटनाओं के संकलन के अनुसार ही हम आगे की योजनाओं को हम जो है विकसित कर सकते हैं, आगे की योजनाओं को हम डेवलप कर सकते हैं। तो क्योंकि कहते हैं कि इतिहास जो है अपने आप को दोहराता है, अगर इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके अनुसार हम देखते हैं कि बहुत बड़ी क्षति हुई है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर, तो हम उन घटनाओं को दोहराने से बचते हैं और उन घटनाओं से सबक लेते हुए और उन चीज़ों में सुधार करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस वजह से ऐतिहासिक और संस्थात्मक उपागम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं यह उपागम आदर्शवाद से प्रेरित था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति, प्रगति और विकास के मूल्यों पर विशेष बल दिया। इसके तीन बातें प्रमुख हैं, क्या क्या है इसमें देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामंजस्य समन्वय की स्थापना की जाए, युद्ध से छुटकारा पाने तथा युद्ध की विभीषिका को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सहयोग नैतिक मूल्यों पर आधारित करने का पक्षधर है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ऐतिहासिक परंपरागत उपागम के जो है सिद्धांत हैं। तो ये शांति में विश्वास करता है और युद्ध को कम करने का प्रयास करता है। सर्वप्रथम तो ऐसे कानून का ये निर्माण करता है कि युद्ध ना हो, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत ढेर सारे संगठन बने हुए हैं, जैसे यूएनओ की स्थापना की गई है तो उसमें तमाम तरह के जो है संगठन और भी संगठन ढेर सारे संगठन हैं। तो जब संगठन में सदस्यता प्रदान की जाती है तो नियम और शर्तें भी उसमें लागू रहती हैं। उसमें यह कहा जाता है कि अगर जो इसमें सदस्यता प्रदान की गई है जिन देशों को, वो देश अगर किसी दूसरे देश पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं,
तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और साथ ही साथ उन पे ढेर सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, उनका उनका आवागमन बंद कर दिया जाएगा, ट्रेड व्यापार प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसलिए ये ढेर सारे कानूनों के माध्यम से, नियम शर्तों के माध्यम से हम जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास को गति देने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए इस उपागम का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर इसके बाद हम यथार्थवादी उपागम देखते हैं। यथार्थवादी उपागम 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका प्रचलन रहा है। इस उपागम के जनक हैंस जे मार्गेंथाउ को माना जाता है, जिसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में इसकी व्याख्या किया है। मार्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में देखता है। यथार्थवाद की निम्नलिखित मान्यताएं हैं, इनकी प्रमुख मान्यताएं हैं, मानव स्वभाव से स्वार्थी प्राणी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है। राष्ट्र हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। शांति की रक्षा के लिए समुचित प्रबंध किए जाते हैं, जैसे शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, विश्व सरकार गठबंधन आदि। तो जो यथार्थवाद के जनक हैं तो हैंस जे मार्गेंथाउ हैं। तो यथार्थवाद का मानना है, यथार्थवाद जो पूर्व में के वैज्ञानिक राजनीतिक वैज्ञानिक थे हाब्स, तो हाब्स के विचारों से प्रेरित हैं। हाब्स ने जो सिद्धांत दिया था कि मनुष्य जो है स्वार्थी होता है और झगड़ालू होता है, तो उसी से प्रेरित होकर के इन्होंने अपने सिद्धांत को विश्व राजनीति के स्तर पर लागू किया है। और इनका मानना है कि मनुष्य स्वार्थी होता है और जो है झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, अपने की अपने हितों की पूर्ति करता है। तो अपने हितों की पूर्ति के लिए ढेर सारे जो नियमों कानूनों को जो है बनाने का प्रयास करता है, लागू करने का प्रयास करता है। तो यथार्थवादी राजनीति के अंतर्गत यह माना जाता है कि मनुष्य जो स्वभाव से होता है स्वार्थी होता है और स्वार्थ के बस में अपने हितों की पूर्ति के लिए वो अन्य की क्षति कर सकता है तथा और शक्ति के लिए संघर्ष है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र जो है अपना प्रभुत्व जमाने की जो है कोशिश करते हैं, किसी को भी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसको पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिस जैसे अमेरिका है वर्तमान समय में। तो अमेरिका ने शक्ति अर्जित कर लिया, शक्ति के लिए संघर्ष जैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी इतनी शक्ति अर्जित कर लिया है अमेरिका ने कि जो अन्य देश हैं तो उन पे प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। तो और अमेरिका को जो है कड़ी चुनौती दे सके, कड़ी टक्कर दे सके, इसलिए जो अन्य देश हैं तो अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जो है होड़ लगी हुई है उनको, जैसे कि भारत है। भारत अपनी परमाणु क्षमता का विकास कर रहा है, भारत अपना जो है टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है ताकि अमेरिका को मतलब कड़ी टक्कर दे सके। अगर कोई देश एकदम निर्बल है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो अन्य देश उसको हावी हो जाएंगे और अन्य देश उस पर जो है नियंत्रण प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेंगे और उसको अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रत्येक देश यथार्थवादी व्यवस्था के अनुसार, उपागम के अनुसार, प्रत्येक देश अपनी अपनी जो है शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और शक्ति के लिए संघर्ष मतलब संघर्ष करते रहते हैं। शक्ति शक्ति ऐसी चीज है कि जो है ये हमेशा जो है एक व्यक्ति के पास, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के पास शक्ति रहे। तो शक्ति क्या होती है, ट्रांसफर हो सकती है, आज इस देश के पास है कल उस देश के पास रहेगी। तो शक्ति इसीलिए संघर्ष जो है बना रहता है, क्योंकि शक्ति के लिए संघर्ष लोग रत रहते हैं, प्रत्येक देश प्रयासरत रहते हैं ताकि वो अपने अपने वो अन्य देशों में अपना प्रभुत्व जमा सके तथा अपनी बातों को मनवा सके। इसके बाद हम देखते हैं सामूहिक सुरक्षा, विश्व सरकार गठबंधन, शक्ति संतुलन। तो इस सब चीज के माध्यम से हम जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं। सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा
यूएनओ के अंतर्गत जो सामूहिक सुरक्षा का जो है यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामूहिक सुरक्षा देने का प्रयास किया है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कहा है कि हम जो सदस्य देश हैं उनको हम सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी देते हैं। इसलिए सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत विश्व राजनीति में यूएनओ द्वारा सभी देशों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। विश्व सरकार का अर्थ है जो देश में प्रभुत्व 40 देश है वह जो है अन्य देशों को गवर्न करेगा तथा अन्य देशों को जो है रेगुलेट करेगा और उन पे अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करेगा। तो ये विश्व सरकार। गठबंधन का मतलब होता है जैसे कि कोई देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है और विश्व राजनीति में शक्तिशाली ज़्यादा नहीं है तो किसी देश को टक्कर नहीं दे सकता है, शक्तिशाली देश को चुनौती नहीं दे सकता है, शक्तिशाली देश के बराबरी नहीं कर सकता है, उसके समकक्ष वो बहुत ज़्यादा दुर्बल माना जाता है। तो उस समय उस अवस्था में जब कोई भी देश यह देखता है कि हम अपनी क्षमता को बढ़ाने में सफल नहीं हो रहे हैं तो वो गठबंधन का सहारा लेते हैं और अन्य देशों से गठबंधन करके वो अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। गठबंधन में यह जो है शर्तें होती, नियम होते हैं कि यदि किसी देश ने आपस में गठबंधन कर लिया है तो यह कहा जाता है, इसमें नियम शर्तें होती हैं कि अगर गठबंधन करने वाले देश पर अगर किसी अन्य देश ने उस पर अटैक कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, तो जिस देश से गठबंधन रहता है तो वो देश की जिम्मेदारी होती है कि अपने मित्र राष्ट्र की जो रक्षा के लिए उस पर जो है अगर आक्रमण हुआ है तो बचाव के लिए उतरे और उसका बचाव करे, उसका पक्ष ले। तो गठबंधन की राजनीति के माध्यम से हम अपने देश के हितों की पूर्ति करते हैं तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वैज्ञानिक व्यवहारवादी उपागम। जो वैज्ञानिक और व्यवहारवादी उपागम है तो यह यथार्थवादी उपागम से मिलता जुलता है। इसमें देखते हैं व्यवस्था उपागम। तो व्यवस्था उपागम सबसे पहले डेविड ईस्टन ने जो है इसका व्यवस्था उपागम के लिए जो है उन्होंने दिया है, इसके लिए सिद्धांत दिया है। उन्होंने व्यवस्था उपागम में ये कहा था कि व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए ये शोध का विषय है और जो व्यवस्थाएं होती हैं तो व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकार होती है तो सरकार में जितने सरकार से बंधे हुए लोग होते हैं, जो रेगुलेट होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, तो वो ये जरूरी नहीं है कि सरकार की समस्त व्यवस्थाओं से खुश रहें, क्योंकि ये माना जाता है कि जो सरकार होती है, किसी भी देश की सरकार होती है, तो ये माना जाता है कि वो सभी उनकी मांगों को की पूर्ति करने के लिए सक्षम नहीं है, या क्योंकि इच्छाएँ अनंत हैं, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं तो अनंत होती हैं, कोई भी सरकार सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो इसलिए डेविड ईस्टन का मानना है कि जो इच्छाएं होती हैं निवेश और निर्गत के माध्यम से उन्होंने व्यवस्था का विवरण दिया है। उन्होंने ये कहा है कि निवेश का मतलब होता है कि अगर कोई भी शासन व्यवस्था है तो उस पर निवेश किया जाता है। निवेश का मतलब होता है जन आकांक्षाएँ, जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता के हित में कानून बनाने के लिए जो जनता जो मांग करती है कि उनके हित में ये कानून बनाए, ढेर सारी मांगे जब सरकार के पास पहुंचती है तो इसको निवेश कहते हैं। और उनमें से सरकार ये देखती है कि कौन कौन सी जन आकांक्षाएँ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उसके बिना जनहित नहीं हो सकता है। जनहित के लिए, कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए और उनके हित में बहुत ही ज़रूरी है ये कानून बनाना। तो जब उनमें से जब छटनी की जाती है और उसमें से जनता के हित में कानून बनाती है सरकार, तो उसमें से यह कहा जाता है कि जो है ये निर्गत किया जा रहा है। जब हित में जब कानून बनता है और जब कानून बन करके जनता के सामने प्रस्तुत होता है और बाहर सामने आता है, लागू किया जाता है, तब यह कहा जाता है कि इसका जो है निर्गत हो रहा है। मतलब कि जन आकांक्षाएँ निवेश की हैं
निवेश करने के बाद जब उस कानून का रूप ले लिया है, कानून बन गया है, बाहर कानून बनकर आ गया है, लागू हो गया है, तो जो है ये माना जाता है कि ये निर्गत हो गया है। तो डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवस्था के उपागम में जो है ढेर सारे तत्व इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि राजनीतिक संस्कृति है, मानव स्वभाव है। तो जिस प्रकार से जहाँ की राजनीतिक स्थिति होती है, संस्कृति होती है, वहाँ का कल्चर होता है, तो उसी हिसाब से और जो है जो भी समस्याएं होती हैं उसके समाधान के लिए कानून जो बनाए जाते हैं तो वह व्यवस्था के उपागम में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बाद हम देखते हैं व्यवस्था उपागम। मार्टिन कैपलान ने अपनी पुस्तक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 6 प्रकार की व्यवस्थाओं की चर्चा किया है, जैसे शक्ति संतुलन व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, सार्वभौमिक व्यवस्था, पद सोपानी व्यवस्था, इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। इसमें हम देखते हैं जो वर्तमान समय में जगत में यह कहा जाता है कि जो मार्टिन कैपलान की 6 व्यवस्थाएँ, इसका कारण है उन्होंने क्या बताया है, जो शक्ति संतुलन व्यवस्था है, तो शक्ति संतुलन व्यवस्था, शक्ति संतुलन का मतलब होता है शक्ति को बैलेंस करना। किसी एक के पास ऐसी अपार शक्ति चली जाएगी तो शक्ति का संतुलन नहीं रह जाएगा, शक्ति का संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। तो यदि जैसे कि अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है तो अन्य देश क्या कर रहे हैं कि अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो शक्ति को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं, बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वो अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं तो और अमेरिका की शक्ति के की तरह ही अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तो शक्ति के संतुलन में ये व्यवस्था आती है। और शक्ति के संतुलन को जो बढ़ाने की, शक्ति संतुलन के बनाने की जो एक और व्यवस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से भी हम शक्ति को संतुलित करते हैं, क्योंकि जब संगठन बन जाते हैं उसमें सभी देश शामिल हो जाते हैं तो जो सदस्य देश होते हैं तो सदस्यों का दायित्व हो जाता है कि जो अन्य कमजोर राष्ट्र संगठन के सदस्य बने हैं, मेंबर्स बने हैं, तो उनकी सुरक्षा किया जाए। तो शक्ति संतुलन के माध्यम से, जैसे कि सामूहिक सुरक्षा है, तो सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से हम शक्ति संतुलन का प्रयास करते हैं और सभी के देशों के सुरक्षा का भार जो है ले लेते हैं, दायित्व निभाते हैं। तो ये है शक्ति संतुलन। फिर इसके बाद द्विध्रुवीय व्यवस्था। तो द्विध्रुवीय व्यवस्था में द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, पहले अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता था और समाजवादी गुट का नेता रूस था। तो रूस ने सोवियत संघ बनाया था, अमेरिका ने भी अपना संगठन बनाया था। तो इन दोनों ने अपना जो है बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर लिया और जो है विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था हो गई थी, एक का नेता अमेरिका था, दूसरे का नेता रूस था। तो विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था भी अब जो है शिथिल पड़ गई है, जैसे कि इसमें लिखा है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था का मतलब है सोवियत संघ का विघटन हो गया है तो द्विध्रुवीय व्यवस्था भी कमजोर पड़ गई है, शिथिल हो चुकी है। और क्योंकि एक दूसरे से तनाव की अवस्था नहीं है, अब जो है शिथिलता आ गई है, तनाव नहीं है विश्व के देशों में और आपस में मेलजोल से रह रहे हैं और अब विचारों का आदान प्रदान होता है और टेक्नोलॉजी आदमी भी सहयोग की भूमिका निभाते हैं और एक दूसरे के यहाँ आवागमन भी है, ट्रेड व्यापार ये सब चीज़ों का बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो ये जो है वर्तमान समय में शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था है। अब सार्वभौमिक व्यवस्था, पद सोपानी व्यवस्था, इकाई निषेधाधिकार। सार्वभौमिक व्यवस्था का मतलब यूनिवर्सल, मतलब कि सभी देश इक्वल होंगे, तो यह वर्तमान धरातल में संभव नहीं है। कोई देश संपन्न राष्ट्र है तो कोई दुर्बल राष्ट्र है, कमजोर राष्ट्र है, तो वर्तमान समय में यह व्यवस्था संभव नहीं है, सार्वभौमिक व्यवस्था। पद सोपानी व्यवस्था, पद सोपानी व्यवस्था का मतलब होता है टॉप मोस्ट पे एक जो है शक्तिशाली देश रहेगा और फिर नीचे के क्रम में छोटे छोटे और देश आते जाएंगे, लेकिन यह भी व्यवस्था संभव नहीं है क्योंकि हमेशा
कोई भी देश शक्तिशाली टॉप मोस्ट पे नहीं रह सकता है, क्योंकि शक्ति जो है ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि आज अमेरिका के पास शक्ति है, लेकिन धीरे धीरे अन्य देशों के पास भी शक्तियाँ पहुँच रही हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, जैसे चाइना है, जापान है और रूस है, तो ये सब भी शक्तिशाली हो रहे हैं। और ये पद सोपानी व्यवस्था वर्तमान धरातल में संभव नहीं है। और फिर है इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था क्या है? जैसे कि कोई ऐसा देश, शक्तिशाली देश निर्णय ले रहा है, तो उसका निर्णय सभी राष्ट्र, अगर गलत निर्णय है और सभी राष्ट्र उसका जो है एक तरफ से खारिज कर दें, निषेध कर दें, तो ऐसा धरातल में संभव नहीं है। क्योंकि जैसे कि वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद है, तो सुरक्षा परिषद में आप खुद देख रहे होंगे कि कुल 5 राष्ट्र ही उसमें मेन है, और अन्य लोगों को उसके निर्णयों के लिए निषेधाधिकार का वोटिंग पावर, वोटिंग सिस्टम करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए इकाई निषेधाधिकार वर्तमान समय में लागू नहीं हो सकता। अगला है निर्णय उपागम। हेराल्ड और मार्गेट स्प्राउट के अनुसार निर्णय निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर्यावरण या वातावरण की होती है। निर्णय उपागम, निर्णय उपागम में इन्होंने जैसे कहा है कि निर्णय उपागम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है पर्यावरण वातावरण की होती है। निर्णय, निर्णय का मतलब होता है विश्व राजनीति के स्तर पर कोई डिसीजन लेना, किसी भी प्रकार का निर्णय हो सकता है, जैसे किसी से संधि समझौता करना है किसी देश से, या उस देश से वार्ता करना है, या उस देश से जो है हमको मित्रता करना है। निर्णय उपागम, तो निर्णय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है व्यक्ति के व्यक्तित्व की। तो व्यक्ति, व्यक्ति के का मतलब है किसी देश का प्रमुख नेता, प्रमुख लीडर। अगर हम किसी देश के बारे में हम ये देखने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे हमको दिखाई ये देता है, जैसे अमेरिका ले लीजिए, चाहे भारत ले लीजिए, चाहे चाइना ले लीजिए, किसी का भी उदाहरण देख सकते हैं। हम सबसे पहले भारत का उदाहरण देखते हैं कि भारत में जैसे कि इंदिरा गांधी और वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनके निर्णयों में इनका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। तो निर्णय उपागम में हमेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। जैसे कि इंदिरा गांधी ने जो निर्णय लिए, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्होंने निर्णय लिया और अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों के माध्यम से अपने देश का विकास करने का जो बीड़ा उठाया और देश का विकास करने का के लिए जो कदम उठाया, तो उन्होंने समाजवादी व्यवस्था से मित्रता स्थापित किया था, समाजवादी व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया था, समाजवादी व्यवस्था को अपनाया तथा रूस को अपना मित्र माना, तो रूस से मित्रता किया और रूस से ही अपना टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किया और ट्रेड व्यापार को भी बढ़ाने का प्रयास किया। समाजवादी व्यवस्था को लागू करने का इंदिरा गांधी ने प्रयास किया। भारतीय प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी ने जो अपने निर्णय लिए, तो उनके निर्णयों में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इंदिरा गांधी ने हमेशा स्टिक होकर निर्णय लिया, जैसे कि निर्णय लिया कि अमेरिका से हमको जो है बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रखना है, थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस बना करके रखना है अमेरिका से। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को अपने देश में लागू किया तथा समाजवादी देश से मित्रतापूर्ण व्यवहार किया और मैत्रीपूर्ण व्यवहार को लागू करने का उन्होंने प्रयास किया। तो इंदिरा गांधी के निर्णयों में इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। और फिर हम आ जाते हैं वर्तमान समय में, जैसे कि वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो अमेरिका से मित्रतापूर्ण अपनाया है व्यवहार, तो उन्होंने यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया है और जो है समाजवादी व्यवस्था से थोड़ा सा दूरी बना लिया है। तो जो भी उनके निर्णय होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक दिखाई देती है, क्योंकि
वर्तमान जो व्यवस्था है, तो हमारी जो वर्तमान व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है, और पूंजीवादी व्यवस्था में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। और सभी नेता हमेशा ही अपने राष्ट्र का विकास ही करना चाहते हैं और उसमें अपने व्यक्तित्व को शामिल करते हैं। विकास का कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे समाजवादी माध्यम अपनाया जाए, चाहे पूंजीवादी माध्यम अपनाया जाए। जब इंदिरा गांधी ने अपना व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, तो भी राष्ट्रीय हित को प्रमुख स्थान दिया था कि हमारे देश का राष्ट्रीय हित होगा और हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, हमारा देश बहुत आगे जाएगा, बढ़ेगा, विकास करेगा। और जब वर्तमान समय में मोदी जी हैं, तो उन्होंने जो व्यवस्था अपनाया है वो भी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके अपनी व्यवस्था को जो है ये दिया है, अपनाया है, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया है और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ही उन्होंने अपनाया है। इसके बाद हम देखते हैं खेल उपागम। खेल उपागम इस व्यवस्था में राष्ट्र संघर्षरत रहते हैं। खेल उपागम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक उपागम है, खेल उपागम। जो खेल उपागम है, खेल उपागम के अंतर्गत दो राष्ट्र में से एक विजयी हो सकता है, एक पराजित हो सकता है। तो ये खेल उपागम के कुछ नियम होते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसमें दो राष्ट्र होते हैं तो दो राष्ट्र में कोई किसी की भी पराजय नहीं होगी और दोनों ही विजयी हो जाते हैं। जैसे कि दोनों बराबरी पर आ जाते हैं और जो है कोई किसी को मतलब हरा नहीं सकता है। तो ये खेल उपागम के नियम के अनुसार। अब हम आ जाते हैं सौदेबाजी। सौदेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सौदेबाजी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं का अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि संघर्ष हित में संभव नहीं है, इसलिए वार्ता करके देशों के बीच संबंध सुधारने का प्रयास किया जाता है तथा विश्व राजनीति में शांति की स्थापना का प्रयास किया जाता है। सौदेबाजी, सौदेबाजी, सौदेबाजी का मतलब है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग से तात्पर्य है कि हम किसी भी मुद्दे पर हम देशों के बीच बार्गेनिंग करेंगे या हम जो है अपने अपने हितों को उस हद तक छोड़ेंगे जिस हद तक हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान हमको ना हो। तो कोई भी देश इस समझौते को अपने किसी भी देश से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए, अच्छा संबंध बनाने के लिए सौदेबाजी उपागम का जो है प्रयोग करता है। तो जैसे कि अमेरिका है या पाकिस्तान है, चाइना है, तो भारत अन्य लोगों से जैसे कि इसका सहारा लेता है सौदेबाजी उपागम का। तो सौदेबाजी उपागम के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि दो राष्ट्र हैं तो दो राष्ट्र आपस में उनको संबंध सुधारने का प्रयास करना है। क्योंकि युद्ध ही सलूशन नहीं है, युद्ध से विभीषिकाएँ इतना अधिक होती हैं, युद्ध से इतना ज़्यादा क्षति होती है, बहुत ज़्यादा क्षति होती है कि युद्ध कोई किसी चीज़ का हल नहीं है, युद्ध से जनधन की हानि ही होती है। तो इसलिए युद्ध का सहारा ना लेकर के वो अपने 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 देशों के हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों से सौदेबाजी का सहारा लेते हैं, सौदेबाजी या बार्गेनिंग का सहारा लेते हैं कि युद्ध के विकल्प के रूप में इसको जो है वार्ता किया जाए, संधि किया जाए, समझौते किया जाए। तो समझौते संधियां कैसे हो सकती, कोई देश जैसे कि अपने नियम शर्तों को जो है दिखा रहा है, उसके 10 पॉइंट हैं, वो अगर कोई भी देश दिखा रहा है कि हम ये अपनी शर्तों के अनुसार ही आपसे हम मित्रता करेंगे, तो कोई भी देश अगर अपनी सिर्फ शर्तें ही मनवाएगा किसी अन्य देश से, ये अब सिर्फ शर्तें दिखाएगा और अन्य किसी देश की बातों को मानने का प्रयास नहीं करेगा, तो मित्रता कतई संभव नहीं है। इसलिए इस नियम के अंतर्गत, सौदेबाजी नियम के अंतर्गत, हम अपने नियम तो हम अन्य देशों को दिखाएंगे, अपनी शर्तें बताएंगे कि हमारी ये कंडीशन, हमारी शर्तें ये हैं, नियम
और जो है आपसे मित्रता करेंगे, लेकिन हमारे कुछ कंडीशंस हैं, हमारे कुछ नियम हैं और इनको जो फॉलो करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही हमको अगर किसी से मित्रता नहीं करना है तब हम ये कहेंगे कि सिर्फ हमारे नियम शर्तों के अनुसार ही आपसे मित्रता हो सकती है, अन्यथा मित्रता नहीं हो सकती है। अगर हमको नहीं मित्रता करना है तो सिर्फ अपने नियम और शर्तें ही हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर मित्रता करनी है तो हम अपने नियम और शर्तें तो बताएंगे ही, साथ ही अन्य देशों के नियम शर्तों को भी हम गौर करेंगे, उससे भी हम मानने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत निगोसिएशन एक शब्द आया है। अगर वार्ता की जाती है किसी देश के अंतर्गत संधि समझौते किए जाते हैं, जैसे कि वर्तमान समय में हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान से हमारे अच्छे रिलेशन नहीं हैं, तो यह कहा जाता है कि अच्छे रिलेशन किसी भी देश में रखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर हम खराब रिलेशन रखेंगे कि अपने देश के अन्य देशों से अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे तो हमारे देश का विकास प्रभावित होगा। तो यह कहा जाता है कि जिन मुद्दों पर किसी देश से विवाद है या नहीं बन रही है तो हम उन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे या उन मुद्दों को छोड़ करके अन्य मुद्दों को जो है हम उस पर फोकस करेंगे, ताकि हमारे देश का ट्रेड व्यापार जो है प्रभावित ना हो। तो इसके अंतर्गत जो निगोशिएशन होता है, निगोशिएशन का अर्थ होता है हम किसी भी देश में अगर वार्ता कर रहे हैं, उस देश के साथ वार्ता कर रहे हैं, तो निगोशिएशन का अर्थ है सहमति के अंतिम बिंदु तक वार्ता करना। अगर हमको मित्रता करना है, अपने ट्रेड व्यापार को बढ़ावा देना है, शांति समझौते करना है, तो हमको निगोशिएशन करना पड़ेगा, मतलब कि विवादित मुद्दों को छोड़ देना है तथा सहमति के बिंदु तक हमको वार्ता करना है। जैसे कि किसी अन्य देश का हमारे किसी मैटर में डिस्प्यूट है, जैसे कि पाकिस्तान से एक कश्मीर का मुद्दा है, विवादित मुद्दा है, और एक अंतर्राष्ट्रीय जल संधि का जो मुद्दा है ये भी विवादित मुद्दा है, सीमा जो है सीमा रेखा से संबंधित जैसे सरक्रीक विवाद है, इन सब चीज़ों विवादों को जो है हम दरकिनार करके अपने ट्रेड व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे देश का विकास प्रभावित ना हो, विकास मतलब उच्च हो, अपनी अवस्थाओं को पहुँचे, विकास कहीं प्रभावित ना हो, विकास अवरुद्ध ना हो। तो इस वजह से हम पाकिस्तान से ट्रेड व्यापार को जो है बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उन मुद्दों को हटा देते हैं जिन मुद्दों में विवाद है। अब आ जाइए चाइना पर। तो चाइना में क्या है, चाइना में भी हमारे राजनीतिक विवाद हैं, सीमा विवाद हैं। तो जैसे कि चाइना भारतीय जो है सीमा पर जो है दावा करता है, भारत के अंदर के एरिया में भी दावा करता है, आसाम वगैरह में, तो उसका कहना है, चाइना का कहना है कि जो हमारे मतलब हमारे देश के जो लोग हैं तो उसी तरह के जो लोग हैं, मतलब कल्चर एक जैसा है, तो और देखने में भी व्यक्ति एक ही जैसे ही लगते हैं, तो सभ्यता संस्कृति मिलती जुलती है, तो ये जो है हमारे चाइना का भाग है। तो भारत के भू क्षेत्र में अपना दावा करता है तो ये गलत बात है, ये तो सिमिलरिटी भौगोलिक आधार पर, संस्कृति के आधार पर सिमिलरिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे देश में दावा कर सकता है। तो ये राजनीतिक विवाद है, भौगोलिक विवाद है चाइना का हमारे साथ। तो हम चाइना से अपने विकास को, अपने ट्रेड को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो अन्य विवादित मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तथा उन चीज़ों को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे ट्रेड व्यापार है, विकास, जैसे कि हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट करना है, एक दूसरे के यहाँ व्यापार है, आवागमन है, तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, ताकि हमारे देश का विकास अवरुद्ध ना हो और विश्व स्तर पर हमारी जो है अच्छा विकास हो। अन्य देश भी यही चाहते हैं, अपने अपने देश का विकास करना चाहते हैं, तथा सौदेबाजी के माध्यम से जो है शांति समझौते आदि के माध्यम से विकास करना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध कोई चीज़ का हल नहीं है, युद्ध से सिर्फ क्षति होती है, तो इस वजह से सौदेबाजी का जो है अपनाते हैं देश, और इसका सहारा लेते हैं, और अपने अपने उस चीज़ों के जहाँ पे
हित टकराते हैं और एक दूसरे के हितों का जो मध्यम मार्ग होता है, तो उस जगह को हम जो है मेन मुद्दा मानते हैं, उस जगह पे आके रुक जाते हैं, वहीं पे आके हम समझौता कर लेते हैं। और थोड़े जो अन्य देश हैं तो थोड़ा अपना हित छोड़ते हैं, जैसे कि हम लोग अपना हित थोड़ा सा छोड़ते हैं, तो जहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा हित प्रभावित नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हमको नुकसान नहीं होता है, तो हम वहीं पे जाके हम संधि समझौता कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी देश अपने देश का विकास चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, लाभ चाहता है, नुकसान नहीं चाहता है, तो ये समझौते के माध्यम से, सौदेबाजी के माध्यम से इसको जो है संधि समझौते के माध्यम से अपने विकास को बढ़ावा देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।